बड़ों की अपेक्षा बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, ऐसे में कई बार वह जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से लोग बच्चों को जरा सी समस्या होने पर बार बार दवाइयां देते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी को भी कमजोर बनाती है। ऐसे में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को करने से शरीर की कई समस्याएं दूर होने के साथ इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ये नेचुरल उपाय शरीर को हेल्दी रखते हैं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आप इन उपायों को फॉलो करें जिससे बीमारियों से बचाव होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नेचुरल टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनके बारे में और अधिक जान सकें। तो चलिए जानते हैं बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय करें। फर्स्ट है हींग पेस्ट। बच्चों को गैस, पेट दर्द और ब्लोटिंग होना एक सामान्य बात है। कई बार दूध पीने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। ऐसे में बच्चों को इन बीमारियों से बचाव करने और उनके डाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए रात को सोने से पहले जरा सा हींग का पेस्ट नाभि पर लगाएं। ऐसा करने से पाचन से जुड़ी समस्या कम होगी। नेक्स्ट है केस्टर ऑयल। बच्चों को कम पानी पीने या बाहर के खाने की वजह से कई बार कब्ज की समस्या हो जाती है। कब्ज होने पर बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों की नाभि पर केस्टर ऑयल लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें और जल्दी रिलीफ के लिए गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदरक और लहसुन का रस। बच्चों को सर्दी और फ्लू से बचाने के लिए एक चम्मच अदरक और लहसुन के रस में शहद को मिलाकर बच्चों को दें। ऐसा करने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी और मौसमी बीमारियों से बचाव होगा। ध्यान रखें कि अदरक और लहसुन का रस बच्चों को गर्मियों में ना दें। नेक्स्ट है सौंफ का शरबत। बच्चों को लू और गर्मी से बचाव के लिए सौंफ का शरबत बच्चों को दें। सौंफ का शरबत देने से बच्चों में पेट से जुड़ी समस्या कम होने के साथ बच्चों के पेट के लिए ठंडा भी होता है। सौंफ का शरबत पीने से बच्चा हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है अजवाइन की पोटली। अक्सर बच्चों को ठंड लगने के कारण कंजेशन की समस्या हो जाती है। ऐसे में बच्चों को राहत देने के लिए अजवाइन की पोटली से बच्चों की सिकाई की जा सकती है। इस सिकाई को रात को सोने से पहले करने से बच्चों को कफ से भी राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।